जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और कविता विश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। और अभी बैठी हूँ मैं अपने पूजा घर में। और सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज है नवरात्रि का सातवां दिन। तो दोस्तों, आज पता नहीं किसके यहाँ होंगे कीर्तन भजन। तो मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने पूजा घर से कर रही हूँ, क्योंकि आजकल वही नवरात्रे चल रहे हैं तो पूजा पाठ का कार्यक्रम रोज चल रहा है। तो मैं पूजा घर से ही अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने नहा धो करके पूजा की तैयारी कर ली है और थोड़ा पाठ वगैरह कर लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद दिन भर में जो भी होगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और जिसके यहाँ भी कीर्तन होगा तो आप लोगों को ज़रूर कीर्तन में ले चलूँगी। और कीर्तन भजन के आनंद आप लोगों को आ ही रहे होंगे ब्लॉग देख करके। तो दोस्तों, फिलहाल मेरी हरियाली भी यहाँ पर उगाई है, जो कि आपने कल के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। बाकी से दुर्गे मैया भी बैठी हुई है और अखंड ज्योत भी जल रही है। तो इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं पूजा पाठ और मिलते हैं आप लोगों को पूजा पाठ के बाद। अभी हम कीर्तन में जा रहे हैं रेखा के यहाँ। तो हमने आज पहनी है ब्लू कलर की साड़ी और आज है सातवां दिन, सप्तमी है आज। और सप्तमी के दिन ब्लू कलर पहनना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने आज ब्लू कलर पहना हुआ है। तो चलते हैं अभी रेखा के यहाँ। और अभी हम सब लोग आए हुए हैं रेखा के घर में और ये है रेखा और आज है रेखा के यहाँ कीर्तन भजन। और अभी हम इतने ही लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। यह है माता रानी की चौकी। Oh,
बलि की जय। परम जाने मातरम क्लेशरणम विलेराज्ञानेन द्रविणविरलेण वसतया। ॐ जयाम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजते टीको मैया टीको मृग मद को जल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन नी ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विहारे महिषासुर दाती मैया महिषासुर दाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मद माती तो दोस्तों रेखा के यहाँ से कीर्तन भजन से आ चुके हैं हम और अपने घर में भी पूजा पाठ कर ली है। तो अब बदलते हैं कपड़े और बना लेते हैं झटपट से खाना। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीज़ें लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।